नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जो तहलका मचाया उसे देखकर हर कोई हैरान है। ये फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों को साइड करते हुए आगे निकल रही है। केजीएफ 2 हिंदी को भी बहुत प्यार मिल रहा है। दर्शक इसके आगे बॉलीवुड को नहीं देखना चाह रहे। इस फिल्म ने बाकी फिल्मों की नाक पे दम कर दिया। केजीएफ 2 हिंदी ने सिर्फ एक हफ्ते में 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म वीकडेज में भी अच्छी कमाई कर रही। सातवें दिन फिल्म ने 16.35 करोड़ रुपए कमाए, जबकि कुल कमाई की बात करें तो अब तक फिल्म ने 255.05 करोड़ रुपए कमा लिए। केजीएफ 2 हिंदी ने बाहुबली 2 और दंगल जैसी फिल्मों को 250 करोड़ कमाने के मामले में पीछे छोड़ दिया। बाहुबली 2 ने 8 दिन और दंगल ने 10 दिन में 250 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि केजीएफ 2 ने 7 दिन में ही ये कारनामा कर दिखाया। बता दें कि केजीएफ 2 लगातार आमिर खान का रिकॉर्ड तोड़ रही। जब से यश की फिल्म रिलीज हुई है तभी से आमिर खान के रिकॉर्ड तोड़ने पर लगी हुई, और अब एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ केजीएफ 2 ने अपना डंका बजा दिया। वैसे तो इस फिल्म की आंधी में सब कुछ उड़ रहा है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि शाहिद कपूर की जर्सी इसके आगे टिकती है या वो भी बाकी फिल्मों की तरह साइड हो जाती। 14 अप्रैल को जब केजीएफ 2 रिलीज हुई तो उस वक्त थिएटर्स में द कश्मीर फाइल्स और आरआरआर जैसी फिल्में राज कर रही थी, लेकिन केजीएफ 2 हिंदी ने आते ही इन्हें धो डाला था। पहले ही दिन फिल्म की कमाई 53.95 करोड़ रुपए थी। तभी पता चल गया था कि ये फिल्म काफी आगे तक जाने वाली थी। दर्शकों के साथ साथ फिल्म क्रिटिक्स से भी फिल्म को प्यार मिला। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का खूब फायदा मिल रहा। अभी कई जगह फिल्म के शोज हाउसफुल जा रहे। 120 करोड़ के बजट पे बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म जिस हिसाब से कमाई कर रही है उसे देखकर एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये फिल्म इतनी आसानी से बॉक्स ऑफिस से नहीं उतरने वाली। फिल्म में यश के साथ साथ संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भी अहम रोल में नजर आए। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करती है। जैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।